हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज मैंने सोचा था मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, बट मेरा मन कर गया है आज अपनी बहुत टाइम बाद, लाइक दिस इज लॉन्ग ओवर ड्यू, मुझे अपनी अलमीरा साफ करनी है। आई वांट टू ऑर्गेनाइज माय वार्डरोब, आई हैव टू डीक्लटर माय वार्डरोब एंड आई हैव टू डीक्लटर अ लॉट, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। आपको पता होगा पिछले दो साल से आई एम लाइक सो मच इनटू शॉपिंग, सरोजनी के कपड़े, शीन के कपड़े, हर जगह की शॉपिंग के कपड़े एंड ऑल्सो आई गेट अ लॉट ऑफ PR, सो मुझे सब कुछ डीक्लटर करना है। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डोनेट, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू कीप एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक सर्दियों के कपड़े अपने निकाले ही नहीं। मैंने अपने सर्दियों के कपड़े अभी तक अपनी अलमीरा से हटाए ही नहीं है। यू कैन सी मेरे डोर में भी ऐसे सर्दियों के हुडीज टंगे हुए हैं एंड मेरे को उसको देख के इतनी गर्मी लगती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस हाउ माय अलमीरा लुक्स लाइक राइट नाउ। सो ये ऊपर तक भरी हुई है, दिस इज मेंट फॉर हैंगर्स बट इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे होती है बेल्ट्स, यू कैन सी यहाँ पे इतने गरम गरम हुडीज हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ हुडीज, अ लॉट ऑफ स्वेटर्स राइट हेयर, अ लॉट ऑफ लाइक लोअर्स एंड यहाँ पे भी सेम लोअर्स। थोड़े बहुत मेरे गर्मियों के पजामाज मैंने निकाले हुए हैं, जैसे मैं घर पे पहनती हूँ, अभी बाहर जाने का तो मौका है नहीं। अ लॉट ऑफ वेलवेट स्टफ, डेनिम स्टफ एंड मोर स्वेटर्स। सो दिस इज हाउ माई अलमीरा, लाइक दिस इज द बिफोर शॉट ऑफ हाउ माई अलमीरा लुक्स लाइक। एंड ऑल्सो वॉट हैपन्स इन माई होम इज दैट हम सब कुछ स्टोर करके रखते अपने बेड्स के अंदर, लाइक वी हैव स्टोरेज वाले बेड्स, आई थिंक ऐसा ही सबके घर में होता है। सो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट दिस बेड राइट हेयर, इसके दो कॉर्नर्स हैं एंड दोनों कॉर्नर्स में वी हैव दीज ह्यूज बैग्स, जो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी, उसके अंदर सारे गर्मी के कपड़े होते हैं। सो वेन वी ऑर्गेनाइज एंड डी क्लटर इट, ये सारे सर्दी के कपड़े इस बेड के बैग्स के अंदर जाएंगे एंड इस बेड के बैग्स के अंदर के गर्मी के कपड़े अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। एंड मुझे वो भी ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ जीन्स, अ लॉट ऑफ टॉप्स, अ लॉट ऑफ फैंसी टॉप्स, बोहेमियन टॉप्स, ड्रेसेस, मतलब बहुत कुछ है मेरे पास, अभी तक आपको पता चले गया होगा। सो आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पैनिक अटैक बिकॉज आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम गोना वॉक यू थ्रू द होल प्रोसीजर एंड होपफुली आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। आई डोंट नो, मे बी आप मेरी कैटेगरीज देख के थोड़े इंस्पायर हो जाओ। सो लेट्स गो। सो हमने सारा सामान बेड से निकाल लिया है। दिस कंटेन्स ऑफ दिस पैकेज, द स्मॉल पैकेज एंड ये दो बड़े बड़े पैकेज जिसके अंदर मेरा मेन सर्दी का सामान है। नाउ द प्लान इज टू कैटेगराइज देम, लाइक मैं ज़मीन पे या बेड पे बैठ बैठ के मैं सारे कैटेगरीज रखूंगी एंड देन मैं सारी अलमीरा खाली करूंगी, उसके बाद आई एम जस्ट गोना पुट बैक द कैटेगरीज। एंड मैं हमेशा ये लेजीनेस करती हूँ कि जो सर्दी के कपड़े होते हैं उनको मैं कैटेगरीज में नहीं रखती, मैं बस ऐसे ही जैसे रेकलेसली ऐसे ठूस देती हूँ एंड आई कीप इट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो मेरी अलमीरा इज माई मेन प्रायोरिटी राइट नाउ। द स्टेटस सो फार, यहाँ पे मैंने रखे हैं कोट्स, ये है टॉप्स जो ज्यादातर शीन के होते हैं, ये मेरे नाइट सूट हैं, दीज आर ऑल द ड्रेसेस दैट आई हैव, डेनिम्स, टी शर्ट्स, अभी तक इतना खाली है, दो तीन चीजें ही बची हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट वी हैव दिस बैग राइट हियर जिसमें और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है मेन चंक ऑफ सामान इसमें है क्योंकि बहुत सारी ड्रेसेस, टॉप्स और प्लाजो पैंट्स इसमें है। तो अभी मेरी अलमीरा से सारे सर्दी के कपड़े बेड पे डल गए हैं एंड उनमें से जैसे जीन्स जैसी चीज़ें जो हैं जो मुझे चाहिए गर्मियों में भी, वो मैं यहाँ रख रही हूँ। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस सो फार।
सबसे पीछे मैं जो कम जीन्स पहनती हूँ लाइक रिप जीन्स या फिर बहुत वॉश जीन्स जो मेरे बॉडी टाइप को सूट नहीं करती या फिर जिनको अल्टर कराना है वो सबसे पीछे मैंने राइट साइड में रखी है। आगे की साइड में पैंट्स हैं जो मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ, कुछ 3-4 जीन्स हैं जो मतलब रेगुलर यूज़ की होती है। एंड आई ऑल्सो हैव हेयर यहाँ टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट्स और जीन्स ये मेरा मतलब आई लिव इन दीज क्लोथ्स, सो ये सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। पीछे भी पैंट्स हैं जो कपड़े वाली होती हैं अपार्ट फ्रॉम द जीन्स एंड सम प्लाजो पैंट्स प्रिंट्स वाली जो समर में काफ़ी काम आती हैं। देन वी हैव जंप सूट्स, जितने भी मेरे जंप सूट्स थे वो मैंने पीछे रखे हैं और यहाँ पे हैं मेरी ड्रेसेस। लास्ट ईयर, हु रिमेंबर्स दिस टी शर्ट, इसमें हर तरह की बियर बनी हुई है। मैं सरोजनी से लाई थी लास्ट ईयर। मैंने शीन से इतना सारा मैश और ऐसी डिटेल्स वाला क्रोशे सामान मंगाया था, लाइक इसके लिए एक और नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ब्लैक टॉप्स, ब्लैक मैश टॉप्स, इतने सारे हैं मेरे पास। मुझे मेरी टी शर्ट्स का जैकपॉट मिल गया, इतनी सारी एक के बाद एक टी शर्ट्स निकली जा रही है। मूड, एंटी सोशल बटरफ्लाई, नो ड्रामा पिज्जा वाली टी शर्ट, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनेट फेमस, इस पर पॉपकॉर्न बना हुआ है, सारे मेरे खाने टाइप की टी शर्ट। ये मैंने पिछले साल अपने बर्थडे पे पहनी थी, मुझे लग नहीं रहा इस साल मैं कहीं बर्थडे पे बाहर जा पाऊंगी। एंड दिस आई वोर टू डैनियल वेलिंगटन का इवेंट, दिस वॉज फ्रॉम मिंत्रा। Forgot we have to make shrugs ka category kyunki I do have a lot of mesh shrugs. Also have to make a category for these kind of kurtis jo main Amazon se Myntra se order karti hu, kafi sari hain kurtis bhi. ओके गाइस, सो फाइनली आई एम काइंड ऑफ डन, लाइक ये सर्दियों का सामान अभी बाकी है काफ़ी, बट माई कैटेगरीज लाइक द लास्ट पोर्शन दैट हैज टू गो इन साइड द अलमीरा इज डन एंड इट्स बीन लाइक 1.5 hours, सो आई वुड से दिस इज अ रिमार्केबल टाइम। सो यहाँ पे वी हैव माई नाइट सूट, आई हैव वे टू मैनी पजामाज एंड टी शर्ट्स टू वेयर एट होम, एंड आई थिंक अभी क्वारंटाइन के टाइम पे दिस इज ऑल वट वी नीड। आई हैव माई डेनिम जैकेट्स राइट हेयर, देन हेयर आई हैव अ फ्यू टॉप्स, अ फ्यू मैश टॉप्स, एंड थोड़े बहुत जो टॉप्स जो मैं बहुत कम पहनती हूँ ये वो है, एंड हमारे दूसरे लॉट में भी इतनी सारी टी शर्ट्स निकल आई जो डालनी है मुझे, एंड देन आई हैव अ फ्यू शर्ट्स जो बटन वाली शर्ट्स होती है। हेयर आई हैव ऑल माई श्रग्स, क्योंकि आई एम सो इनसिक्योर ऑफ माई डोले, तो मैंने बहुत सारे श्रग्स लिए हुए हैं टू वेयर विद कट स्लीव्स, एंड पीछे हमारी छोटी सी पोटली है ऑफ स्कर्ट्स दैट आई वेयर, स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स, एंड यहाँ मेरे सारे सूट्स एंड कुर्ताज हैं, एंड हेयर वी हैव अ फ्यू ऑफ मोर ड्रेसेस जो हमने निकाली है, और एक बेल्ट ये निकली है लावारिस जो मुझे पता नहीं है। सो नाउ आई एम जस्ट गोना ओपन इट, एंड क्योंकि अभी इतना ही हमने फिल किया है, नीचे वाला पोर्शन खाली है, यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेसेस डाल ली हैं, एंड ये वाला सर्दियों का सामान अभी बाहर निकलना है, और सबसे नीचे मैं रखूँगी अपने सूट्स और नाइट सूट्स। यहाँ पे आएगी डेनिम जैकेट्स, जंप सूट्स, ड्रेसेस, स्कर्ट्स, एंड यहाँ पे थोड़ी मैं और बड़े इस कुतुब मीनार को बना दूंगी थोड़ा बहुत, एंड आई थिंक विल बी सॉर्टेड। आई डोंट नो कि इन दो बैग्स में कैसे मैं सर्दियों का सामान डालूंगी, बिकॉज क्लियरली मेरे सर्दियों का सामान बहुत ज़्यादा है, और मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी शीन से की थी। ऑल्सो अभी ये वाला बैग बाकी है, सो आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे बहुत सारी चीज़ें हटानी भी पड़ेंगी। आई हैव अ पाइल ऑफ क्लोदिंग यहाँ पे विच आई वॉन्ट टू डोनेट, एंड आई डोंट नीड इट राइट नाउ, सो दैट्स ग्रेट। Voices up ahead, you. Who am I to let you go? You're a wrecking ball. Can you keep?
my mountain of winter clothes. What I found मेरे school का कुर्ता जो हमने school में suit पहनाते थे वो बहुत ही छोटा मेरे कमर पे ये फिट नहीं होगा पर this was our scribble day. सब ने पूरी क्लास ने स्क्रिबल करके मेरे बारे में कमेंट्स लिखे थे मेरे 12th स्टैंडर्ड में. दिस इज फ्रॉम 2012 जो मैंने संभाल के रखी है. आफ्टर 2 hours आई एम डन विथ पार्ट 1 ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग माई वॉर्डरोब. डीक्लटरिंग अभी बाकी है बिकॉज यहाँ पूरा लाइक यू गाइस कैन सी इतना बड़ा पहाड़ लगा हुआ है मेरे सर्दियों के कपड़ों का एंड इसको अभी मैं करूँगी ऑर्गेनाइज. आज ही करूँगी नहीं तो मैं सोऊंगी कहाँ पे. बट माई अलमीरा इज ऑल सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज. आई नो इट डजेंट लुक लाइक इट बिकॉज आई एम नॉट द बेस्ट यू नो क्या बोलते हैं प्रेसर ऑर्गेनाइजर तय करने वाला मतलब मेरी तय इतनी अच्छी नहीं है. बट इट डज लुक लाइक अगर मैं अब इस अलमीरा के सामने आऊंगी एंड आई वॉन्ट समथिंग सो मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पे है. ऑलराइट सो दिस इज माय वार्डरोब टूर फॉर समर. देखो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी बची है कि मैं और शॉपिंग करूँ. ये भगवान का साइन है. दीज आर ऑल माई बेल्ट राइट हियर. ये शीन से जारा से जितनी भी मुझे ड्रेसेस के लिए बेल्ट चाहिए होती है सारी यहाँ पे है. देन बैक देयर वी हैव ऑल माई टॉप्स जो डीप नेक वाले हैं या फिर शीन के जो मैं कम पहनती हूँ बहुत ज्यादा कलरफुल वाइट पिंक टॉप्स. नाउ हियर आई हैव ऑल माय शर्ट्स थोड़े से टॉप्स एंड थोड़ी सी ड्रेसेस. मेरे पास ड्रेसेस काफी कम है तो मैंने इतना पोर्शन ही ड्रेसेस पे रखा है. देन देयर आर माय फ्यू टॉप्स जो मैं मॉल या फिर कहीं पार्टी में जाना हो तब पहनती हूँ. ये शर्ट्स बेसिकली ये वो चीजें हैं जो मैं वीडियो के टाइम पे ज्यादा पहनती हूँ. सम फैंसी शैंसी चीजें जो मुझे वीडियो में पहनने के लिए ज्यादा बेटर लगता है. दीज आर ऑल माई टी शर्ट्स जितनी भी मेरे पास टी शर्ट्स हैं ये सारी वो है यूट्यूब की शीन की टेक्सटीज एंड अ लॉट ऑफ प्रिंट्स a lot of like food वाली टी शर्ट्स काफी सारी है ये. एंड देन आई हैव अ लॉट ऑफ डेनिम. मेरे पास सबसे ज्यादा आई गेस डेनिम ही है. यहाँ पे जितना पोर्शन आपको दिख रहा है सारी डेनिम जैकेट्स हैं एंड शॉर्ट्स हैं. एंड देन हेयर आई हैव जो बेसिक जीन्स मैं सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में पहनती हूँ एंड देन अ पैंट बिकॉज ऐसी टाइप की पैंट्स भी मैं बहुत पहनती हूँ. देन यहाँ पे मेरे अंडर गारमेंट्स हैं सो आई एम नॉट गोना शो यू गाइज दिस. देन नेक्स्ट अप वी हैव ऑल माई ड्रेसेस जो थोड़ी लॉन्ग एंड मिडी ड्रेसेस है जो मैं सबसे ज्यादा ओकेजनली पहनती हूँ. सो सारी ड्रेसेस इधर है. पीछे की साइड वी हैव श्रग्स. श्रग्स मैं बहुत कम पहनती हूँ एंड शॉर्ट्स और स्कर्ट्स भी मैं बहुत कम पहनती हूँ तो उन दोनों के बहुत छोटे पहाड़ हैं. एंड देन आई हैव अ फ्यू मोर टॉप्स जो थोड़े से मोटे मटेरियल के हैं लाइक यू गाइस कैन सी ये एंड अ लॉट ऑफ लाइक वेलवेट टाइप मटेरियल तो वो मैं कम पहनती हूँ इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है. एंड सबसे नीचे आई हैव माई कुर्तीज सूट्स फेस्टिव ओकेजन की चीजें एंड अ लॉट ऑफ लाइक दिस होल एल शेप थिंग इज माई नाइट सूट एंड ट्रैक सूट एंड जो मैं एक्सरसाइज के लिए पैंट्स एंड शर्ट्स पहन सकती हूँ. सो दिस वॉज माई होल ऑफ द अलमीरा राइट हियर. नॉट गोना लाई यू गाइज मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी ये वीडियो करने में जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई डोंट ओन अ वार्डरोब. एंड हर लड़की का थोड़ा बहुत ड्रीम तो होता ही है कि जब वो बहुत अमीर हो जाएगी थोड़ा बहुत उसका वार्डरोब रूम होगा या फिर थोड़ी बड़ी अलमीरा होगी जिसमें सब कुछ सॉर्ट हो सके. एंड आई नो मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है और मैं बिल्कुल उसको ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहती. सो मैं थोड़ी बहुत शाय एंड इंटिमिडेटेड थी कि पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे एंड मतलब ऐसे टाइप की अलमीरा देखे कुछ इसमें वाओ फैक्टर तो है नहीं. सो इसलिए आई वॉज नर्वस बट आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड इट एंड बहुत सही लग रहा है ये. बैग नंबर 1 फिल हो चुका है मेरी पूफी जैकेट से. बैग नंबर 2 हो चुका है. बैग नंबर 3 में ये प्लस ये आएगा. ये वाली चीज़ें आई एम नॉट कीपिंग एंड थोड़ी सी और गर्मी की चीज़ें निकली हैं जो मैं दोबारा अलमीरा में डालने वाली हूँ. ओके सो एवरीथिंग इज नाउ पैक्ड एंड बेड खोल लिया है. इसके अंदर वी आर गोना पुट एवरी बिट ऑफ दिस ऑल माई सर्दी का सामान
दीज आर द क्लोथ्स फ्रॉम गर्मियाँ दैट आई एम डोनेटिंग एंड ये सर्दियों के कपड़े जो आई एम डोनेटिंग एंड एवरी थिंग विल गो इन साइड दिस कॉर्नर. Hello, hello everyone. So this is the night time of the day. I decluttered, organized, did everything with my wardrobe basically. So it was a lot of fun. I don't know ये vlog कैसा जाएगा. I am totally unsure of it क्योंकि मैं साथ में काम भी कर रही थी, साथ में vlog भी कर रही थी and it was a total mess. I am so ashamed of this wardrobe. I don't know why. It just doesn't look perfect and जब organized and symmetry में चीज़ें नहीं होती हैं मुझे थोड़ा सा bother करती है. But मेरे तीन शीन के जो बड़े वाले डब्बे हैं वो fill हो गए हैं with the items that I want to donate after the lockdown end. So please, please, please अगर ये video पसंद आई हो, if you like these kind of videos, like this video. एंड नीचे कमेंट करके बताना कि आपने अपना वार्डरोब कब डिक्लटर किया, आपको ऑर्गेनाइज करना डिक्लटर करना पसंद है, डू यू नीड हेल्प या फिर आप अकेले कर लेते हो. लेट मी नो, लेट्स जस्ट चैट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन नीचे. एंड इफ दिस वाज द फर्स्ट वीडियो दैट यू सॉ ऑफ मी, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज और वीडियोज देखो नीचे जाके, क्योंकि I don't know, this is not the best of my work. So subscribe to the channel and click the bell button क्योंकि आपको notification आएगी for every time I upload a video Tuesday, Friday or Sunday. And मेरी life के साथ updated रहने के लिए आप मुझे यहाँ follow कर सकते हो Instagram पे क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा active हूँ. And I'll see you next time. Bye.